दोस्तों वो कहते हैं ना कि जब पढ़ने की उम्र थी तो पढ़ नहीं पाए, तब प्यार हो गया, और जब जिम्मेदारियां आई तो पढ़ाई की याद आई। तो दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, और आप लोग दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे दोस्तों, और हम भी बढ़िया हैं। रात को बज रहा है 9:30, और दोस्तों हम इस टाइम वीडियो क्यों बना रहे हैं आप लोग जान लीजिए एक बार, क्योंकि हम सुबह हम चले जाते हैं काम पे, और रात को इसलिए वीडियो बना के रख देते हैं कि सुबह में आप लोग को कुछ बताने के लिए वीडियो सुबह में छोड़ देते हैं। दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे, और जानते हैं कि मेरे घर समस्या है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, और इसी वजह से दोस्तों नहीं सुबह वीडियो बन पाता है। दोस्तों आप लोग बता दें कि वो बात करेंगे प्रीति और सूरज के बारे में दोस्तों, कि कैसे क्या हो गया क्यों। दोस्तों बता दें कि जितने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं सभी यूट्यूब पे ये लोग समझिए कि एक गंदगी फैला रहे हैं, क्योंकि ऐसा इन लोग को नहीं करना चाहिए था। और ना ही तो देखिए, ये प्रीति अगर कहीं गई हैं तो ये सब नाटक का किया जा रहा है, व्यू के लिए किया जा रहा है, व्यूज के लिए, और कोई बात नहीं है दोस्तों, बस व्यूज के लिए खेल खेला जा रहा है और कुछ नहीं है। बस अपना अपना नाटक बना करके लोग नाटक बना रहे हैं कि लोग इनके वीडियो पे देखें, ज़्यादा पैसा आए, तो इसी यही बात है, बस व्यूज़ को लेकर के ऐसा हो रहा है दोस्तों, और कुछ नहीं। बस क्या बताया जाए, ये लोग बस जितना नाटक कर लें, और लोग जितने भी पागल लोग हैं उतने लोग इनके वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों ऐसे लोग को कभी भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। पहली बात तो ये लोग बिना माँ बाप से पूछे शादी किए हैं। दूसरी गलती कि जिसके साथ तुम रह रहे हो, रह रही हो, चाहे रह रहे हो, क्यों मार रहा है, क्यों कुछ कह रहा है, ना कहे। तब तो पहले बहुत खुश थे, शादी हो गया क्या फड़फड़ाने। ऐसा देखिए, वो कहा जाता है कि दोस्तों जब चिड़िया चुग गई खेत तो देखने से क्या होगा, और यही हाल तुम लोग के साथ हो रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे दोस्तों, बस यही कहेंगे कि ये लोग व्यू के लिए बस करते हैं, जितना व्यूज के लिए कर ले लो ये लोग, और कुछ भी दिक्कत ना, कोई बात नहीं है। दोस्तों सही लोग को सपोर्ट करिए, ये लोग व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, आप लोग इनके बहकाए कभी मत जाइएगा। ये 90% व्यूज के लिए हो रहा है, जितना यासु प्रीति यहाँ चली गई, यहाँ छुप गई, सूरज रो रहा है, ये सब झूठे आंसू हैं। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों बस ये नाटक है एक, और कुछ नहीं है। अगर प्यार करना है तो माँ बाप से करिए, इन लड़कियों में क्या रखा है। ठीक है, पहले भाभी से अपना देखिए, उसके बाद जो है कि तब शादी विवाह हुआ तो शादी माँ बाप करेंगे। प्रीति अपना भविष्य बना रही थी, तब तक उसको प्यार का भूत चढ़ गया। ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले तुम अपना भविष्य बनाई होती, सूरज अपना भविष्य बनाया था, तब दोनों शादी तुम लोग की होते तो ठीक रहता। तुम लोग के दिमाग पे प्यार का भूत चढ़ गया, पता नहीं कैसे। दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बाकी वीडियो लंबा नहीं करेंगे दोस्तों, और आप लोग से यही उम्मीद है कि आप लोग सही का साथ दीजिए। दोस्तों ज़्यादा आते हैं, हम वीडियो को एंड करेंगे, और यही कहना चाहेंगे कि क्या हम जो भी बोले हैं क्या सही बोले हैं, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर वीडियो कर दीजिएगा दोस्तों, बस इतना ही है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।